Hey, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं Redmi Note 5 का टॉप फीचर्स। तो जैसे कि आपको पता ही होगा ऑलरेडी कितने सारे फीचर्स हैं Redmi Note 5 में, आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेटिंग्स हैं, इंटरेस्टिंग सेटिंग्स जो डीपर हिडन है सेटिंग्स में, वहीं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कुछ सेटिंग्स आपको पता ही होगा, लेकिन आप फुल वीडियो को देखिए, कुछ नया मिल जाए, कुछ नया सीखने को मिल जाए और यूज़ भी होगा आपको। तो अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला फीचर हम देखेंगे क्विक बॉल। एडिशनल सेटिंग्स में क्विक बॉल फीचर है, आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिक्स है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सेटिंग्स पर जाना है, तो सेटिंग्स में हम एडिशनल सेटिंग्स पर जाएंगे। तो एडिशनल सेटिंग्स में क्विक बॉल, यहाँ पर है क्विक बॉल। क्या है क्विक बॉल और कैसे सेट करें इसको, देखिए पहले टर्न ऑन करना है, पहले ऑब्वियसली ऑफ रहेगा अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पहले टर्न ऑन कीजिए इसको। ऑन करने के बाद सेलेक्ट शॉर्टकट्स है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग देखिए, अभी शॉर्टकट्स जल्दी से कहीं पर भी हो, आप मोबाइल में जल्दी से क्विकली आप कुछ अगर टास्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट करें इसको। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर जल्दी से क्विकली स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली स्वाइप, थ्री फिंगर स्वाइप तो है ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो, लेकिन ये वाला देखिए और भी क्विक हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट सेट करता हूँ, तो सेकेंड वन के लिए मान लीजिए क्लियर कैश मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपका रैम ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्टक हो रहा है मोबाइल बार बार, तो क्लियर कैश मेमोरी यहाँ से आप जल्दी से क्विकली करके आप रैम को रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका कुछ स्पेस भी बचेगा, उसके साथ फास्ट भी होगा मोबाइल। तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर टॉर्च सेट है, रोटेट ऑफ है, मोबाइल डेटा है। तो इतने सारे सेट करने के बाद क्या करना है हमको, बैक लेंगे। तो ऑलरेडी वो क्विक बॉल ऑन हो चुका है, तो कहाँ मिलेगा वो, यहाँ तो यहाँ पर छोटा सा सेमी सर्कल जैसा है, तो आप जस्ट एक बार स्वाइप करेंगे ऐसा, तो इंस्टेंटली एक्चुअली टॉर्च भी ऑन हो चुका है ऑलरेडी एक्टिवेट करके। तो देखिए यहाँ पर टॉर्च है इंस्टेंटली, तो ये इसको आप एक बार टैप करेंगे तो स्क्रीनशॉट इंस्टेंटली ले सकते हैं। तो कहीं पर भी रहे आप, फॉर एग्जांपल अभी होम स्क्रीन पर है, इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जस्ट क्विक टॉगल एक बार इसको ला दीजिए तो स्क्रीनशॉट इंस्टेंटली स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो ऐसे आप क्विकली काम करवा सकते हैं। देखिए कैश मेमोरी है, टैप करेंगे तो इंस्टेंटली रैम क्लियर होके 99 MB क्लियर हो चुका है, अभी बहुत फास्ट से वर्क होगा मोबाइल। तो ऐसे ही स्वाइप करेंगे तो टॉर्च ऑन एंड ऑफ है, रोटेशन ऑन एंड ऑफ है, मोबाइल डेटा भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड इसको अगर आप चाहते हो तो स्क्रीन पर कहीं पर भी आप मूव करके रख सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इस स्क्रीन टॉगल को। तो कहाँ से मिलेगा वो, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है आपको, एडिशनल सेटिंग्स में क्विक बॉल। तो इस क्विक बॉल से आप कई सारे क्विक जेस्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिफर्ड जेस्चर, अभी आप जस्ट टैप करने से वो अगर चाहते हैं तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे टैप करता हूँ तो आता है ना, तो उसके लिए आपको टैप पर रखना है या फिर स्वाइप। तो हाइड ऑटोमेटिकली, मान लीजिए अभी कुछ एप्लीकेशंस आप ओपन कर रहे हैं और बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको, साइड में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हाइड कर सकते हैं, जस्ट ऐसे स्वाइप करेंगे तो फिर से ऑन होके आपको क्विक शॉर्टकट्स मिलेगा। तो ऐसे आप कहीं सारे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, मूव असाइड व्हेन फुल स्क्रीन, स्टिक टू द एज आफ्टर 3 सेकंड्स ऑफ इनएक्टिविटी, अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली साइड पर चला जाएगा। तो ऐसे आप इसको क्विक बॉल को ज़रूर यूटिलाइज कीजिए। तो सेकेंड वन हम देखेंगे एडिशनल सेटिंग्स में है बटन्स एंड जेस्चर्स। तो इसके लिए सेम सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स में बटन्स एंड जेस्चर्स है। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शंस है Redmi Note 5 में, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने MIUI 9.5 अपडेट के बाद दिया है। तो लॉन्च कैमरा, तो कैमरा लॉन्च करने के लिए 2-3 तरीका है, पावर बटन को डबल टैप करेंगे ऐसा तो इंस्टेंटली कैमरा ऑन होगा, वैसे ही अगर आप कुछ अदर शॉर्टकट रखना चाहते हैं इसके लिए तो वो भी रख सकते हैं। देखिए तो अगर ये बैक बटन जस्ट टैप एंड होल्ड करके ऐसे छोड़ेंगे तो कैमरा ऑन होगा, तो ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड फॉर टेक ए स्क्रीन शॉट, जैसे आपको पता ही है स्लाइड थ्री फिंगर्स डाउन करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, अगर वो भी चेंज करना चाहते हैं आप तो दूसरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस है इसमें, लॉन्च गूगल असिस्टेंट के लिए कौन सा आप शॉर्टकट रखना चाहते हैं, टर्न ऑफ स्क्रीन, तो ये वाला देखिए बहुत ही अच्छा है। तो टर्न ऑफ स्क्रीन अगर फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग प्रेस थी होम बटन के लिए रखता हूँ तो क्या होगा, कुछ अगर वर्क कर रहे हैं आप इंस्टेंटली आप लॉक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बटन को लॉक प्रेस करते हैं तो लॉक हो जाएगा। तो अभी देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ कैसे आप कर सकते हैं लॉक। तो अभी हम फिलहाल स्क्रीन पर है, अभी इंस्टेंटली लॉक करना चाहता हूँ तो होम बटन को ऐसे प्रेस करके होल्ड करेंगे तो इंस्टेंटली लॉक हो गया मोबाइल।
तो ऐसे आप क्विकली मोबाइल को लॉक भी कर सकते हैं यूजिंग जेस्चर। तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदा है, आपके पर्सनल प्रेफरेंस जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप सेट करके रखिए, सिर्फ एक बार सेट करना है आपको, बाद में आप यूज़ करते जा सकते हैं। तो देखिए क्लोज़ करंट ऐप, करंट ऐप क्लोज करने के लिए अगर वो भी आप शॉर्टकट जेस्चर रखना चाहते हैं रख सकते हैं, शो मेनू है इसके लिए भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे आप एक बार इस सेटिंग पर जाके आप अच्छी तरह से देखिए कौन सा अच्छा लगता है वो वाला सेटअप कीजिए। इवन फॉर स्प्लिट स्क्रीन भी है, देखिए इंस्टेंटली स्प्लिट स्क्रीन जाना चाहते हैं तो वो भी शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा बटन्स एंड जेस्चर शॉर्टकट, एंड इवन इसको अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली डिसेबल द नेविगेशन कीज है, तो यहाँ से भी आप डिसेबल कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं बाद में आपको एक अच्छा वाला दिखाऊंगा सेटिंग इसमें इसके रिलेटेड। तो ये था सेकंड सेटिंग। थर्ड सेटिंग हम देखेंगे चेंजिंग डिफॉल्ट लॉन्चर। अभी Redmi Note 5 में कौन सा भी लॉन्चर अगर डालेंगे तो वहाँ पर आपको पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट लॉन्चर कौन सा बनाना है, लेकिन फिर भी मैनुअली जब कभी भी आप चाहते हो कि वाला डिफ़ॉल्ट लॉन्चर नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं, आप जस्ट सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स पर जाने के बाद होम होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स है, टैप करना है। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन में फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को अगर आप डिफॉल्ट रखना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो जस्ट टैप करें तो वो वाला भी डिफॉल्ट होम स्क्रीन हो गया। तो ऐसे यहाँ से आप मैनुअली नेक्स्ट सेटिंग नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड्स। तो फिर से हम सेटिंग्स पर जाना है, यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड है। तो लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में क्या कर सकते हैं, देखिए मैनेज फिंगरप्रिंट्स, तो लॉक स्क्रीन ऑब्वियसली अगर आप फिंगरप्रिंट सेट करना चाहते हैं तो यहीं पर जाना है आपको। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो ऑन द लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन पर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए आपको लॉक स्क्रीन पर, वो वाला आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर सारे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आप लॉक स्क्रीन पर चाहते हो तो यहाँ पर सेट करें, अगर कुछ सेंसिटिव आपके नोटिफिकेशंस आते हो वो लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखना है आपको तो बिल्कुल यहाँ से हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन कंटेंट है वो वाला टाइप कर दीजिए। एंड इवन लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो, अगर आप कुछ लिखना है अपना नाम लॉक स्क्रीन पर तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, एंड एनेबल करना है आपको यहाँ से तो मैसेज भी आप लिख सकते हैं। पॉकेट मोड है, अगर पॉकेट में रखते हैं और जेस्चर्स यूज़ नहीं करना है तो इसको एनेबल कीजिए। तो ऐसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड को। तो उसके साथ यहाँ पर सेट स्क्रीन लॉक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से पैटर्न पिन एंड सिक्योरिटी का जो भी है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखिए मेक पैटर्न विजिबल, क्या है मेक पैटर्न विजिबल, तो अभी मैं लॉक करता हूँ, अनलॉक करते जाता हूँ तो यहाँ पर आप कुछ भी पैटर्न देते हैं तो जब भी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ना आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं करके। अगर वो भी आप डिसअपियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको डिसेबल अभी किया हूँ ना, ऐसे डिसेबल करना है आपको तो विजिबल नहीं होगा। देखिए अभी अगर इसको एनेबल करता हूँ तो जब भी मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ पैटर्न यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से आपको दिखेगा कि कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपके साथ कोई भी और भी है अगर वो देख लेता है कि कैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पैटर्न लगा के अनलॉक भी कर सकता है ना आपका डिवाइस। तो अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो मेक पैटर्न विजिबल को डिसेबल कर दीजिए बिल्कुल, तो आपका पैटर्न जो भी है वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। इवन देखिए वेक विथ वॉल्यूम बटन से यहाँ पर टैप करेंगे तो वॉल्यूम बटन का जस्ट टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन होगा, तब आप कुछ टाइम या फिर डेट कुछ भी हो वो इंस्टेंटली आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो नेक्स्ट सेटिंग फीचर हम देखेंगे कैमरा में, तो इसके लिए ऑब्वियसली कैमरा पर जाना है। तो कैमरा पर जाते ही यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शंस को टैप करके ये वाला सेटिंग है, तो सेटिंग्स पर टैप कीजिए। देखिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इसमें है, मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कैमरा डिटेल्स का, बने रहिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन शार्पनेस, जी हाँ ये बहुत ही यूज़फुल होगा और बहुत ही आपके पिक्चर्स को अच्छा बनाएगा ये वाला सेटिंग। देखिए कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को ऑब्वियसली नॉर्मल रहता है पहले डिफ़ॉल्ट में, तो इसको आप थोड़ा लो कीजिए एंड सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाइए, ऐसा यानी कि इसको हाई रखेंगे सैचुरेशन को, तो सैचुरेशन को हाई रखिए। इसके बाद शार्पनेस को भी हाई रखना है, तो अभी आप कैप्चर करके देखिए आपका पिक्चर्स कैसे चेंज होगा, तो बहुत ही शार्प बहुत ही सैचुरेटेड, एंड इवन ज़्यादा भी नहीं रखना है हायर हाईएस्ट तो आप वो भी कर सकते हैं अगर वो प्लीजिंग आपको लगे तो। तो ऐसे आप चेंज करके देखिए बहुत ही अच्छा पिक्चर्स आएगा आपका। अगर आप चाहते हो तो सेपरेट डिटेल वीडियो भी बनाता हूँ कैमरा सेटिंग्स का। तो ये था सेटिंग।
तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे सेम कैमरा सेटिंग्स में, यहाँ पर देखिए ऑटो एक्सपोजर सेटिंग्स। तो ऑटो एक्सपोजर सेटिंग्स यानी कि मीटरिंग मेथड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप कोई फ्लावर्स का पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हैं, तो फ्लावर्स का ऑब्वियसली जस्ट नॉर्मल कैमरा ओपन करते हैं, कैप्चर करते हैं ना। अगर नहीं तो आप मेरे वीडियोस देखिए, आप मैं डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ कैसे आप फ्लावर्स को अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या करना है, आपको स्पॉट मीटरिंग रखना है। जब भी आप कोई क्लोजअप सब्जेक्ट का कैप्चर करते हैं या फिर सिंगल सब्जेक्ट का कैप्चर करते हैं, तो इसका मीटरिंग रखना है आपको, स्पॉट मीटरिंग। बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आएंगे, आप कैप्चर करके देखिए। नेक्स्ट है सेंटर वेट। सेंटर वेट यानी जैसा नाम है, अगर सब्जेक्ट में कुछ दो तीन पर्सन्स है एंड बिल्डिंग्स है, ऐसे कुछ कैप्चर कर रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बहुत हेल्प होगा सेंटर वेट। एंड इवन फ्रेम एवरेज देखिए, लैंडस्केप पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हैं, बिल्कुल शार्प फोटोज चाहिए, तो आपको ऑटो एक्सपोजर सेटिंग्स में जाके फ्रेम एवरेज रखना है ताकि आपको सुपर पिक्चर्स मिल सके। तो होपफुली ये आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सेटिंग हम देखेंगे फीचर्स, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो सकता है तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। नेक्स्ट फीचर है सिक्योरिटी लॉक में। तो फिर से हमको सेटिंग्स पर जाना है, तो सेटिंग्स पर जाते ही सिक्योरिटी, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट एक ऐप दिया है सिक्योरिटी, यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ से ऐप लॉक है, तो ऐप लॉक में आप एप्लीकेशंस को हाइड नहीं बल्कि लॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। तो कैसे लॉक करें देखिए, फॉर एग्जांपल अगर गैलरी में लॉक करना चाहता हूँ, तो एक बार टैप करूँगा तो वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट अगर रीड करता है तो वो ले लेगा। यहाँ से सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो लॉक कैसे होना है। तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं उसके लिए। तो हाइड नहीं होता है, अगर आप नोटिफिकेशन उस ऐप का हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हाइड कंटेंट है ना, तो यहाँ पर जाएंगे तो यूट्यूब रखेंगे तो यूट्यूब के नोटिफिकेशंस बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने लॉक कर दिया है उसको। तो ऐसे आप यहाँ से चेंज करें, तो शो पैटर्न है अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट से भी आप इसको एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं ऐप लॉक को। ऐप लॉक फीचर बहुत बढ़िया फीचर है, आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए। तो लास्ट फीचर हम देखने वाले हैं फुल स्क्रीन जेस्चर्स एंड सेटिंग्स। तो देखिए यहाँ पर फिर से सेटिंग्स पर जाना है, तो सेटिंग्स पर जाएंगे तो फुल स्क्रीन यहाँ पर है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में फुल स्क्रीन जेस्चर्स, जी हाँ बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप ये तीनों जेस्चर्स यूज़ नहीं करना चाहते, बटन यहाँ से बैक होम एंड ये वाला भी बिल्कुल आपका स्क्रीन यूज़ होगा, बहुत ही अच्छा भी दिखेगा। तो स्क्रीन जेस्चर्स को यूज़ कीजिए, जब भी आप एनेबल करते हैं तो लर्न करके आएगा, तो एक बार टैप करके आप देखिए, वो सिखाएगा आपको कि कैसे जेस्चर यूज़ होता है। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छी तरीके से दिए है शाओमी में, तो इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए टैप एंड ऐसे होल्ड करता हूँ, स्वाइप अप एंड होल्ड, तो रिसेंट ऐप्स में जाएगा, तो यहाँ पर आपको सेपरेट बटन बिल्कुल नहीं रहेगा, तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स है, बहुत ही यूज़ होगा। तो स्वाइप राइट करेंगे तो बैक जाएगा, स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। तो ऐसे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फुल स्क्रीन जेस्चर्स यहाँ से ऑन करना है आपको। एंड यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड, यहाँ पर देखिए क्विकली दिखाएगा कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो ऐसे फुल स्क्रीन डिस्प्ले को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप बटन फिर से चाहते हैं तो जस्ट बटन्स पर टैप कर दीजिए, तो बिल्कुल ये वाला बटन आ जाएगा। अगर ये इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो मिरर बटन से टैप करना है, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे आपको चाहिए वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर है तो सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।